हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ क्रोशिया से सनफ्लावर कैसे बनाएं। तो चलिए इसे बनाते हैं। लेकिन इसे बनाने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वे सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम सनफ्लावर बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दो कलर के, येलो और ब्लैक, थ्रेड और क्रोशिया। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले ब्लैक वाले थ्रेड को ले लेंगे और उसे क्रोशिया में इस तरह गांठ लगा ले। और गांठ लगाने के बाद तो हमें चेन बनाने हैं। ये हमने 6 चेन बनाने हैं। 6 चेन देखिए मैंने बनाया। और फिर इसे अंतिम वाले में घुसा के इस तरफ राउंड करके बांध देना है ऐसे। और फिर मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये आपको बनाना सिखाया है कैसे इस सर्कल को हम लोग फिल करते हैं, वो मैंने आपको बताया है पहले भी। तो इस तरह हमने ये सर्कल पूरा फिल करना है। 3 का 2, 2 का 1, इस तरह हमें ये पूरी फिलिंग को भरना है। इस तरह हमें ये पूरे सर्कल को फिल करना है। देखिए जैसे ये हमारा सर्कल पूरा फिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ हमें येलो धागे का इस्तेमाल करना है। फिर हम येलो थ्रेड लेंगे और इसे यहाँ घुसाकर गांठ लगा देंगे। गांठ लगाकर देखिए, ये देखिए ऐसे। और यहाँ एक चेन बनाए और ये लगातार हमें 10 चेन बनाने हैं। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। इस तरह हमें 10 चेन बनाने हैं और एक एक्स्ट्रा चेन बनाना है। फिर एक्स्ट्रा चेन जो हम एक बनाएंगे, फिर हम उसमें नहीं घुसाएंगे फंदा लेकर, वो लास्ट एक 11वें चेन में नहीं घुसा कर 10वें चेन में हमें ऐसे घुसा के ऐसे करना है, निकालना है। और फिर जितने चेन हमने बनाए हैं सब में बिना फंदे का ऐसे निकालते जाना है। देखिए जैसे मैंने करना है ऐसे। पूरे चेन में करते जाना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। इस तरह देखिए आपका चौड़ा होता जाएगा, पतले चेन से थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। हर चेन में बनाना है, गैप छोड़ना नहीं है। ऐसे आप करते जाएं। देखिए इस तरह आपका ये सनफ्लावर का बनता जाएगा। और जब अंतिम चेन आ जाए तो फिर वापस हमें इसके जो हमने चेन बनाए हैं उस चेन में हमें इसे ऐसे बांध देना है। उसके बाद बांधने के बाद फिर से हमें वापस 11 चेन बनाने हैं। ये देखिए 11 चेन हमने फिर से बना लिए हैं। फिर से बनाने के बाद ये अंतिम वाले चेन को छोड़कर उसके बाद वाले चेन में बिना फंदे का हमने 2 का 1 करना है। ऐसे 2 का 1, 2 का 1, 2 का
एक, दो का एक, इस तरह हमने करते जाना है। देखिए हर चेन को बनाते जाना है, किसी चेन को छोड़ना नहीं है, छोड़ने से ये गैप भरेगा नहीं, इसलिए सब चेन में बनाना है। ये देखिए अंतिम आ गया, अंतिम चेन आ जाए तो ये सारे चेन है उन सभी में हमें करना है। ये अभी हमने यहाँ किया था, अभी ठीक उसके बगल वाले में करके ऐसे बांध देना है। देखिए ये दो हमारा दो बन गया ऐसे, और इसी तरह फिर यहीं से चेन बनाना फिर से स्टार्ट करेंगे। 11 चेन, ये देखिए हमारा बन गया 11 चेन, और फर्स्ट वाले चेन को छोड़कर सेकेंड चेन से बार बार यही प्रोसेस हमें करना है, जब तक ये हमारा ब्लैक वाला सर्कल जो है वो पूरा फिल ना हो जाए, तब तक हमें ये प्रोसेस करते रहना है। इस तरह देखिए हर चेन में करना है। ये हो गया हमारा अंकि, और फिर यहाँ हमने अभी बनाया था अभी ठीक उसके बगल में, और ये ऐसे आपका बनता जाएगा। ये इस तरह हमें पूरे ये सर्कल जो है पूरे सर्कल को ऐसे फिल करना है, और ये आपका ऐसे राउंड होता जाएगा, और ये पूरे सर्कल को हर चेन में करती जाएंगी तो ये पूरा सर्कल हमारा फिल हो जाएगा, और फिल होके ये इस तरह बन जाएगा। जहाँ हमने अंतिम करना है शुरू जहाँ से हमने किया था अंतिम हम वहीं करेंगे, और उसके बाद थ्रेड को काट देंगे, और इस तरह ये हमारा सनफ्लावर बन जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।